बैक टू हरियाणा फैमिली ब्लॉग्स गाइस, कैसे आप सब लोग बताइएगा ज़रूर। अभी जो है दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं अभी नहीं नहीं ऐसे घूम रही हूँ। तो टाइम हो रहा है 9:45 के करीब, और मेरा जो यहाँ पर पेन था वो 70% ठीक है, मैं बोल पा रही हूँ सही। लेकिन जब अगर सही बोल रही हूँ तो पेन बन रहा है बोलते टाइम, नहीं तो अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो पेन नहीं बन रहा है। थोड़ी सी दिक्कत वो भी हो जाएगी, मैंने मेडिसिन ली थी रात भी, तो अभी मैंने प्रिपरेशन कर रखी है। यहाँ पर मोटर चल रहा है, पानी भर दिया, ये मूली करके रख दी, दूध गर्म कर दिया, आटा हो गया, चाय बनने लग गया। तो इतना काम कर लिया है, तो अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी, इसलिए मोटर चलाया मैंने। ये लड्डू बैठे हैं, टैंक पानी ख़त्म हो गया था बिकॉज, तो मुझे गीज़र ऑन करना था तो पानी ख़त्म हो गया, फिर मैं मोटर चला। एंड लड्डू छत पर है, मम्मी भी छत पर है। वो जो है क्या कहते हैं, आज मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ नाश्ता वगैरह, क्योंकि लड्डू को बाहर जाना है काम से, 2-3 घंटे का काम है, तो इसीलिए वो चले जाएंगे। अगर मैं बनाऊँगी वो फिर ऐसे ही चले जाएंगे, तो इससे अच्छा अब बना लूँ। सोचा कि क्यों ना आज बिना नहाए व्लॉग शूट कर ले, चाहिए फॉर अ चेंज, हमेशा सेम टू सेम वही मैं नहा कर आ चुकी हूँ, तो आज थोड़ा सा चेंज, अब मैं नहाने जाऊँगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, इट्स 3:00 एंड मैं जो है बनाऊँगी आज मूली की भुर्जी, तो उसकी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। प्रिपरेशन एज एन मूली के पत्ते है, मूली है, आलू रखे हैं मेरे पास, प्याज है, इन सबको छील कर, मैं आलू छिलके के साथ नहीं उबालती हूँ मूली के पत्तों के साथ, बिकॉज फिर उन्हें छीलो ये करो वो करो, तो मैं पहले ही छील लेती हूँ, फिर उबल जाते हैं वो। और अभी पत्तों को कट कर लूँगी, फिर इन्हें अच्छे से वॉश कर लूँगी 2-3 बारी। और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, पहले ही वॉश कर लेती हूँ पत्तों को, लेकिन जब वो ताज़े होते हैं, जैसे अभी ली मूली, वॉश कर लिए, शाम को बना लिए, तो अभी ये मुरझा सी गए हैं थोड़े, पहले कट कर लूँगी, फिर पानी से 2-3 बार वॉश करने के बाद फिर उबाल लूँगी मैं इनको, आलू को और मूली के पत्तों को। और एक मूली को, एक मूली रखी थी मैंने ये इसमें डालने के लिए, और क्योंकि आज मैंने बनाए थे मूली के पराठे, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने कर रखी थी। और लड्डू जा चुके हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं, उनको टाइम लगेगा, अभी शाम ही हो जाएगी, ज़्यादा लेट तो नहीं होगा, पास ही में गए हैं, लेकिन आ जाएंगे, अभी तो वो वहीं पर है, चल देंगे थोड़ी बहुत देर में। और दवाई ली थी मैंने नाश्ता करने के बाद, तो यहाँ पे पेन थोड़ा सा कम है, बाकी स्वेलिंग तो ऐसी ही है, देखिए आपको शायद पता चल रहा हो, इधर नहीं है इतना, लेकिन इधर से यहाँ पे अलग ही मोटा मोटा हो रहा है। तो कर लेती हूँ जल्दी से कट, क्योंकि ये पहले उबलेगी, फिर ये ठंडी होगी, तब निचोड़ूंगी मैं इसको, फिर छुकेगी, तो उसमें टाइम बहुत जाता है, तो उबाल के रख दूँगी, फिर ठंडी हो जाएगी टाइम से ही, 3 बज चुके हैं लगभग, 4-5 बज ही जाएंगे, है ना। भुर्जी मेरी उबल चुकी है, मैंने उबाल ली थी, ये रखिए पानी नहीं चढ़ने लग रहा है इनका, आलू और मूली है। इधर मैंने प्याज कट कर लिए है, चाय पकने लग रही है, ऑलमोस्ट पकी चुकी है अभी तो। और इधर टमाटर है, 2 टमाटर डालूंगी मैं, तो बनाऊंगी भुर्जी। एंड लुक हूज हियर, सी हिज हियर, बड़ी क्या बात है, भूख लग गई मार। सब घरों तो रोटी बना ले खाते ना, रोटी खाने को नहीं बनता, जो छोटा होगा उसका काम लगा रहा है। अभी आया है, तो चाय बना ली जाए, मैंने उसके अकॉर्डिंग रख दी थी चाय, क्योंकि मैंने देख लिया था, बस उसको छान लूंगी। और वो लाए हैं, इट्स आई थिंक समोसा, मैं लोटे में छान रही हूँ चाय को।
मैं जो है इनको डाल लेती हूँ प्लेट में फॉर सर्विंग। एंड वी हैव चटनीज, इट्स ग्रीन चटनी, इट्स रेड चटनी, इट्स समोसा। दिस प्लेट प्लेट द प्लेट सो डोंट नो प्लेट ही नहीं है, पता नहीं एक प्लेट तो थी वो डाल दो। आप लोग भी आ जाइए, सब साथ मिलकर खाएंगे। और वैसे भी साथ खाने का जो मजा है वो अकेले खाने में बिल्कुल भी नहीं है। पहले जिनके यहाँ से हम समोसे लेते थे ना, उनके यहाँ से लाया अब भी लड्डू वैसे तो, लेकिन साइज़ बड़ा होता था। अब उन्होंने क्या किया है, पैसे भी बढ़ा दिए और साइज़ छोटा कर दिया। लेकिन कोई नहीं यार, अब महंगाई इतनी है, वो लोग क्या करें, घर तो सबको चलाना है भाई। तो आ जाइए समोसा पार्टी करते हैं। चटनी नवलपुर चटनी, मैं पता अभी क्या कह रहा थी, चटनी जल की रानी है। आई हैव गॉन मैड। सो गाइस अभी हम खाएंगे समोसे, लेट स्टार्ट बिकॉज लाइट हो गई, अंधेरा हो चुका है क्योंकि, और गेट कर देती हूँ मैं बंद बिकॉज यहाँ पर मच्छर आने लगता है फिर शाम के टाइम। मच्छर तो वैसे भी बहुत है, मच्छरदानी लगा के ही सोना पड़ता है। सो अभी जो है हम समोसे खाएंगे। ये देखिए समोसे रेडी है, चटनी रेडी है, मम्मी भी रेडी है खाने के लिए। तो आज की वीडियो का तो करते हैं यहीं पे एंड, कल फिर से मुलाकात होगी आपके साथ अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रे करिए मेरा जो ये पेन है वो चला जाए ताकि मैं ढंग से बात कर सकूँ आप लोगों के साथ। ऐसे कोशिश कर रही हूँ मैं बोलने की, नहीं तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, सुबह से बहुत ही कम बोल रही हूँ, लेकिन व्लॉग करने की वजह से मैं बोल रही हूँ, मुझे पेन बन रहा है बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ कल आपसे, खैर ये तो काम है करना तो पड़ेगा आप लोगों के लिए। एंड चलिए बाय बाय गाइस, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बस ऐसे ही अपने परिवार वालों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू खाटियान फैमिली व्लॉग गाइज। बाय, गुड नाइट।